विश्व हिंदू परिषद ने मंगलवार को गांधीनगर राधा कृष्ण मंदिर पर भगवान श्री राम की महाआरती और प्रसादी का वितरण किया। आरती में हजारों की संख्या में नवयुवक शामिल हुए। रतलाम विश्व हिंदू परिषद ने पूरे देश में युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ने और अपराधों से दूर रहने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है, जिसमें हर मंगलवार को शहर के किसी भी मंदिर पर सायंकाल भगवान श्री राम की आरती का आयोजन कर युवाओं को इसमें शामिल किया जाएगा, जिससे कि देश के युवा जो भटक रहे हैं और नशे के आदि होकर विभिन्न अपराधों की ओर बढ़ रहे हैं तथा अपने सांस्कृतिक विरासत को भूलते जा रहे हैं और अपने भगवान और मंदिर आदि से दूर होते जा रहे हैं, उन्हें जागृत कर हिंदू संस्कृति से जोड़ने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने यह कदम उठाया है, जिसके अंतर्गत कल मंगलवार को गांधीनगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर पर भगवान श्री राम की महाआरती की गई, जिसमें शहर के 16 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक के नव युवकों ने हिस्सा लिया और भगवान श्री राम की आरती कर प्रसादी ग्रहण की। गांधीनगर की धर्म प्रेमी जनता ने भी इनका सहयोग दिया और बड़ी संख्या में गांधीनगर के रहवासी भी आरती में शामिल हुए तथा प्रसादी ग्रहण की। आरती के समय ही भगवान गोगादेव जी की छड़ी भी उनके सेवकों द्वारा वहां से गुजर रही थी। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने छड़ी की भी पूजा अर्चना की और उनके सेवकों का श्री फल और तिलक लगाकर सम्मान किया। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के सभी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।